ये आप देख सकते हो, ये आपका जुगाड़ बाहर आ गया है। वीडियो को पूरा देखे तभी आप कमेंट करें। आप यार वीडियो को तो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट कर देते हो बीच में कि भैया ये कहाँ से खुला, वो कहाँ से हुआ। तो वीडियो को पूरा देखे फिर आप कमेंट करें प्लीज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन AMKYS चैनल में नई वीडियो के साथ। और चलिए शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब करें माय चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट वीडियो के, जो नई नई वीडियो हम डालते हैं इस चैनल पे और आपको मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने एक परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल में, इंडियन AMKYS यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए है फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। ये वाला मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि आप इस फ्रंट के बारे में इसको रिपेयर करके बताइए कि इसके अंदर मतलब जो मेटल होता है उसको कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे सस्पेंशन को दोबारा नया कर सकते हैं आप। तो हमारे पास दो बाइक हैं, एक ये वाला सस्पेंशन है नॉर्मल जो बाइक में आता है सब में, जो इस प्रकार का होता है आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक इस प्रकार का होता है जो ये बाईसाइकिल जो आप देख रहे हो इसकी वीडियो आप जाके देख सकते हो। इस बाईसाइकिल की वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। बाईसाइकिल प्राइस वगैरह जो भी है कंप्लीट इसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो इस जो सस्पेंशन है ये वाले सस्पेंस अधिकतर बाइकों में नहीं आते हैं, नॉर्मल बाइकों में सभी में ये वाला सस्पेंस आता है, ये वाला। तो इसको बाद में रिपेयर करेंगे। इसका कमेंट आएगा इस वीडियो पे कि इसका भी रिपेयर करना आपको बताएं। और ये जो लॉकआउट सस्पेंशन है, ये यहाँ से लॉकआउट सस्पेंशन है ऐसे लॉकआउट, तो इसका भी अगर कमेंट आएगा इस वीडियो पे तो इसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ा एक टूल किट के बारे में बता देते हैं कि इसमें आपको टूल किट क्या क्या चाहिए। तो मेरा जो टूल किट है मेरे पास वो आप देख लीजिए, जैसे कि ये AMKYS है, मैंने ये AMKYS बनवाई है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर 6 mm की एक AMKYS बेल्ट करवाई है बेल्डिंग से, तो इसको बोलते हैं टी। तो ये टी मैंने बनवाई है एक सरिया लेके बेल्डिंग वाले से, आप भी बनवा सकते हो। और ये है आपका एक बाईसाइकिल पंप जो आप हवा भरने के लिए यूज ले सकते हो बिटमिन का। ये प्लायर है, ये पाने जो भी औजार हैं, ये टायर लीवर हैं, इनकी वीडियो चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये एक मल्टी टूल है, इसकी वीडियो भी मैंने दे दी है, इसका भी आप साथ में दोनों का है देख सकते हो। जैसे कि ये लाइट है ये वाली, आप इसकी काफ़ी ब्राइट लाइट है ये वाली, ये भी बिटमिन की है, इसकी भी मैंने वीडियो दे दी है, ये भी आप जाके देख सकते हो। जैसे कि ये लाइट है ये वाली, ये आप देख सकते हो, इस सब की वीडियो मैंने इसी चैनल पे दे दी है। आप जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो जैसे कि हेलमेट हुआ, ये हुआ, और ये टूल किट जो भी है, ये पावर बैंक आप रेडी मतलब राइडिंग पे अगर आप राइड जा रहे हो तो ये टूल किट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप नोटिस कर सकते हो कि इस पर क्या क्या है, जैसे ग्लव्स हुए, ये बैक लाइट हुई ये वाली, तो ये आपके लिए सेफ्टी लाइट है, जैसे लॉक हुआ। और जैसे कि AMKYS आप देख सकते हो, ये AMKYS यहाँ से कटी हुई है, जैसे कि ये AMKYS यहाँ से कटी हुई है, तो मैंने इसको कटवाया था बेल्डिंग वाले से, वहाँ पे उसमें AMKYS जुड़ाया था। तो ये आप देख सकते हो ये वाली 5 mm की AMKYS है जो इधर मैंने ऐसे रखी हुई है यहाँ से, और ये 6 mm की है। तो दोनों ये 5 mm की थी और ये 6 mm की थी, तो मैंने इनको कटवा के यहाँ सेट कर दिया, क्योंकि इसी के अंदर यही AMKYS होती है, ये सस्पेंशन खुलेगा। और अब चलिए शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप देख सकते हो ऐसा आप टूल बॉक्स भी खरीद सकते हो जिसके अंदर पूरी AMKYS होती हैं, ये तपारिया कंपनी का आता है। और आप कोई भी कंपनी खरीदें, मुझे कोई कंपनी से लेना देना नहीं है, जिस कंपनी का आपको अच्छा लगे खरीद सकते हैं आप। ये पैडल्स हैं, इनकी वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर दे दी है कौन से पैडल आपको चाहिए और आप कौन से पैडल डाल सकते हो सस्ते से सस्ते। और ये एक इलेक्ट्रॉन पाउडर है जो कि एक गर्मियों में राइड के दौरान पानी में मिलाकर पिया जाता है। ये लाइट, बैक लाइट सब, ये लेज़र लाइट वगैरह सब की वीडियो मैंने इसी चैनल पे नीचे दे दी गई है। तो अब आते हैं बाईसाइकिल पे। तो आप देख सकते हो ये कैप, आप यहाँ पे जो कैप आती है इनको उठा लें एक बार, तो यहाँ से ये आपने कैप उठा ली, 6 mm की AMKYS है। और आपको ज़रूर नहीं कि ये टी से ही खोलें, और छोटे AMKYS से भी खोल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये खुल गया। तो ये आप साइड में रख देंगे इधर को, ये आप ऐसा पाना लेंगे ये वाला जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा सस्ते ही रेट में, और इसको आप यहाँ से खोलेंगे, मल्टी टूल बोलते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हो ये खुल गया, और ये ऊपर एक ये जो नट था ये खुल गया, इसके ऊपर ये था जो आपको पेचकस से खोलना पड़ेगा हाथ से चोट मारकर हैमर से, और एक ये वाला। और ये मैं आपको खोलता इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, खोलने में कोई वो नहीं है, आप भी खोल सकते हो,
पाना लगाया और घुमाया, और अब आप देखो ये फ्री है, ये देखो कि आप हैंडल को हल्का से घुमाएंगे ऐसे, तो हैंडल आपका ऐसे निकल जाएगा। इसको हैंडल को साइड में रख देते हैं ऐसे, यहाँ पे लटका दिया साइड में, और ये जो वाशर है इनको ऐसे कैसे संभाल के रखें, जोन सा ऐसे ऊपर था, जिस हिसाब से आप खोलते हो उसको ध्यान रखें, बिल्कुल कैसे खुल रहा है, किस हिसाब से खुल रहा है, तो आप उनको ध्यान रखें। व्हील बाहर निकालना है तो व्हील के लिए आपको चाहिए 15 नंबर की चाबी, 15 नंबर की चाबी आप लगा के आप देख सकते हैं। खोल दिया मैंने इसको, यहाँ से बोल्ट निकाल दिया यहाँ पे, साइड में देते इसको यहाँ पे इधर, और फोर को निकाल देते हैं बाहर। ये आपका फोर देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप खराब है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, देखो आपको नजर आ रहा होगा ये खराब है बिल्कुल। आप देख सकते हो इनको यहाँ से, ये वाले बोल्ट भी खोल लेते हैं, तो ये इनको साइड में रखते हैं ऐसे खोल के, ये फोर्क पूरा रिपेयर होगा। तो पानी में धो के थोड़ा सुखाया है ताकि नट थोड़े लूज पड़ जाएं, अगर इसके नट नहीं खुलते हैं तो मेरे पास एक सस्पेंस और है, सस्पेंस फोर्क, जो कि अगर ये नहीं रिपेयर होगा ढंग से तो उसको रिपेयर करके दिखाऊंगा, क्योंकि इन वाले सस्पेंसों की वीडियो कोई बनाता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बना के दिखाई है कैसे आप इनको रिपेयर कर सकते हो। पेंशन है A1 साइकिल का, तो इसमें क्या हुआ, ये मेरे दोस्त की साइकिल थी, वो स्टंट कर रहा था, तो स्टंट करने के दौरान उसकी साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि यहाँ से टूट गया और उसके भी काफ़ी जगह चोट आई। ये कैप वगैरह आप हटाए, जैसे उसमें हटाया था वैसे हटाएंगे इसको, कैप को ये कैप यहाँ से हटा लेंगे ऐसे। आप कमेंट वीडियो को पूरा देखें तभी आप कमेंट करें, आप यार वीडियो को तो पूरा देखते नहीं हो और कमेंट कर देते हो बीच में कि भैया ये कहाँ से खुला, वो कहाँ से हुआ, तो वीडियो को पूरा देखें फिर आप कमेंट करें प्लीज़। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा अंदर से साफ़ कर लिया है, वो कोई भी स्क्रू वायर चला के, जैसे ये एलंकी चला के इसको थोड़ा मतलब साफ़ करके पानी से धो के कम्प्लीट, तो अब इसको आप मैंने खोल दिया है, तो आप देख सकते हो ये बोल्ट यहाँ से खोल लिया है इसके अंदर से, ये आप देख सकते हो ये आपका जुगाड़ बाहर आ गया है, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रहा, पर आप देख सकते हो ये बाहर आ गया है आपका, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग भी आप बाहर निकाल लेते हैं। वैसे दोस्तों देख सकते हो ये स्प्रिंग का दो तीन हिस्से में बदल गई है स्प्रिंग, और ये आप देख सकते हो ये थोड़ी साबत बची है मगर ये भी ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म स्प्रिंग हो गई इसकी, ये वाली इसके अंदर से यहाँ से निकाली हुई है, तो इसे साफ कर लेते हैं अंदर के पोल को, और इसमें स्प्रिंग उस वाले शोकर की स्प्रिंग इसके अंदर डाल देंगे तो ये रिपेयर हो जाएगा, अगर आपकी स्प्रिंग सही निकले, क्योंकि ये साइकिल आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से खड़ी ही थी, पानी में भीज रही थी तो ख़राब हो गई, इस कारण से ये स्प्रिंग ख़राब होगी, आपकी ऐसी कंडीशन नहीं होगी अगर आप उसे टाइम टू टाइम रिपेयर करते रहेंगे, तो जैसे ये रिपेयर किया ऐसे नहीं, बस खाली आप ऊपर से ऑयल डाल दें यहाँ से, इससे से हल्का हल्का ऑयल डालते रहें ताकि वो ख़राब ना हो। ये कैप हटा लीजिए, ऊपर से कैप हटाने के बाद आपको लेनी है 6 mm की एलंकी, 6 mm की एलंकी उसको अंदर डाल दीजिए, जैसे ये आपको लगे कि नट के अंदर गई इसको घुमाइए ऐसे, मार्केट को एक थोड़ा सा ऐसे ही ऊपर के निकलना है, इसके अंदर दो ये बोल्ट निकले, इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर की साइड, हल्का सा इसे प्रेस करेंगे ऐसे ऊपर की साइड, ये खुल गया, इसको आप जमीन पे ऐसे मार दो, के अंदर कोई कपड़ा वगैरह डाल के ढंग से साफ करना होगा, यहाँ से इसको साफ कर लेते हैं पूरी तरीके से, और जैसे यहाँ पे ये गोलियाँ हैं इनको भी ढंग से साफ कर ले, मतलब यहाँ से काला पीला जो भी हटा के, और न्यू ग्रीस लगा के और इसे पैक कर देना है बिल्कुल सही तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी चमक को, और बिल्कुल ये साफ़ कर दिया गया अंदर से बाहर से, और साफ़ करना तो आप भी सबको पता है इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि कैसे साफ़ करते हैं, तो साफ तो नॉर्मल तरीके से कपड़े से कर लीजिए ढंग से, इसको एक तरह से पूरा वॉश करके क्लियर कर लीजिए, आप देख सकते हो जितना कचरा यहाँ पे पड़ा है ये पूरा काला गंध परात में यहाँ पे, उसमें मट्टी तेल लेके कैरोसिन लेके उन्हें को साफ़ किया था, तो आप देख सकते हो ये स्प्रिंग देख सकते हो आप, ये बिल्कुल एकदम चमक गई हैं, और जिस तरह आपने अगर ध्यान दिया होगा इसमें एक रबड़ था, मैंने दूसरा रबड़ ऊपर से ये लगा दिया है, वो उस दूसरे वाला शोकर का हटा के यहाँ पे लगा दिया है रबड़, और ये दूसरी स्प्रिंग, तो दोनों स्प्रिंग एकदम बराबर से हैं,
और ये आप देख सकते हो नट को, ये नट भी काफ़ी अच्छी तरह से चमका दिया गया है जो आपको शुरू में दिखाया था खोलने के लिए मल्टी टूल से। और आप ये देख सकते हो ये भी पूरा ढंग से जो भी है इसको केरोसिन से ढंग से चमका लिया है। आपके हैंडल्स में ऊपर और नीचे दोनों बैरिंग्स होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो दोनों बैरिंग जहाँ से ये खोला था, ये वाशर खोला था, इसके नीचे ये बैरिंग होती है, एक नीचे एक ऊपर। इनमें सबसे ढंग से इनमें ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीस करने के बाद फिर इनको फिट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीस लगा दी है और ये बैरिंग को मैं ऐसे फिट करनी है यहाँ पे। अब ये नीचे वाली बैरिंग है, इसको भी ऐसे फिट करनी है ऐसे ही जैसे उसमें की थी। दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे आपने बैरिंग को हटाया वैसे के वैसे आपको फिट करना है, उल्टा सीधा देख ले कैसे आप हटा रहे हैं उसको। जैसा कि आप देख रहे हो नीचे वाली बैरिंग भी इसमें लगा दी गई है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो पूरे में इसमें ग्रीस लगा दी गई है इसके अंदर, और इसके अंदर भी आप देख सकते हो पूरे में ग्रीस लगा दी गई है, इसको पूरे में अंदर तक ग्रीस डाल दी गई है साफ करके। जैसा कि आप देख रहे हो स्प्रिंग को आप इस पोजिशन में ये बड़ा वाशर ऊपर रख के इसको ऐसे डाल देंगे स्प्रिंग में, और स्प्रिंग में भी ग्रीस पूरी तरीके से लगा दी गई है, पूरे ढंग से स्प्रिंग में ग्रीस लगा दी गई है, इसको भी ऐसे डाल देंगे इसमें ऐसे, इसको सीधी पोजिशन में डालें जैसे पहले था ऐसे इसको अंदर डाल दें। अब आप देख सकते हो एकदम पूरा देखो बढ़िया प्रेस हो रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया हमारा सोकर। इसको यहाँ से अंदर ऐसे डाल देंगे, इसको ऐसे डाल देंगे दोस्तों। देखो तो बोल्ट डालने के बाद इसको वापस टाइट कर दिया है, टाइट हो गया है दोस्तों, कंप्लीट है सोकर, कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं आप। ये कैप लगा दी पूरा कंप्लीट करके, और आप देख सकते हैं आप इसके ऊपर मैं पूरा वजन दे दूंगा, देखो आप देख लो एकदम, ये देखो कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल साइलेंट है। अब इसे लगा दिया साइकिल में ऐसे, और इसको नीचे से ऐसे डाल देना है, ये आप देख सकते हो बड़े तरीके से काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है वापिस जो आपने पहले हटाया था ये वाला इसको डाल देना है, फिर दूसरा वाला डाल देना है ये वाला छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला डाल देना है। अब तीनों सेट कंप्लीट हो चुके हैं, इनको कस देंगे टाइट, इसकी गोल्डी बड़ी तरीके से हो गई है। अब हैंडल को लगा लेते हैं इसको वापिस इसी पोजिशन पर, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि देखो जैसे कि मैंने ये अगला पार्ट इसका रिपेयर किया शोकर, और ये यहाँ की बैरिंग, ये वाली बैरिंग ऊपर की और ये वाली बैरिंग मतलब हैंडल का, और शोकर जो फ्रंट का शोकर होता है ये रिपेयर किया है। देख सकते हो तो आप एकदम बिल्कुल ये नया कंडीशन में हो चुका है, काफ़ी साल पुराना था और इसमें इतनी मेहनत लगी है वीडियो में आप देख सकते हो। देखो एक चीज़ सही करी थी मगर दूसरी टूट गई, चप्पल गई मेरी, शोकर तो ठीक हुआ मगर चप्पल टूट गई। तो इसी बात पे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, और ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार कमेंट करें कि आपको अगली नेक्स्ट वीडियो कैसी है, और वीडियो को पूरा देखे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।